हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। पैदराज, पैदराज, क्या कुछ आशा है ना? हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहाँ चार महा औषधियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। पैदराज, पैदराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्रीराम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सके। पैदराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ? वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां चार महा औषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए, तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा, कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। मुझे पूर्ण विश्वास है
बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना यह मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। संजीवनी लावन चले कपि कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहां सोचे करुण जीवन का आए यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचाना सका कोई राम का लेगा नाम नहीं। जगवालो जग में सब कुछ है भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। लक्ष्मण जो नहीं पवन कुमार। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं। राम श्री राम जय जय राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम। आयुष्मान आओ हनुमान। महात्मन आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ ये भी जानते हैं मेघनाद ने शक्ति मारी है तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं किते से आवे किते को जावे
सब बेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे रैन बसेरा नहीं महाराज सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें यही भगवान की आज्ञा है तू आज यही विश्राम करे तू क्यों चिंता करता है जो करना है सो राम करे जो करना है सो राम करे राम लखन के जीवन में राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे मुझे क्षमा करे भगवान मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था तुझे भूख प्यास नहीं लागे मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा अच्छा तुझे जिस पर्वत पे जाना मैं पल भर में पहुंचा दूंगा सच महात्मन हाँ स्नान ध्यान करके तू आ जा स्नान ध्यान करके तू आ जा तोहे बना लूं चेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे जी बहुत कृपा है आपकी मैं अभी स्नान करके आता हूँ जय जय राम श्री राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं राम जानते मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान मगर मच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीरथ बड़े प्यार सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास कैसी लीला है लीलाधर ने ही मेरे उद्धार के लिए ही आपको यहाँ भेजा है हे पवनतने मैं देवकन्या थी ऋषि के श्राप से ये गति पाई आपके चरण पकड़ने से मेरी श्राप मुक्ति हो गई परंतु
सावधान हनुमान जी, आपके पथ की वास्तविक बाधा वो कपट वेशधारी निशाचर है। वो मुनि नहीं, रावण का भेजा हुआ उसका अनुचर कालनेमी है। वो कपटी आपका वध करने आया है। रावण ने नहीं, कालनेमी को उसके काल ने यहाँ भेजा है। धन्यवाद देवी। श्राप मुक्त भई आप सारा, कपि कीनो कल्याण। भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर ध्यान। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए तात, विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा भी ले लूंगा। हरे हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा तात, पहले दीक्षा ग्रहण कर, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा, कपटी कालनेमी। तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले। निशाचर, अंत समय तूने श्री राम के नाम का स्मरण किया है, जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। जय श्री राम। लेकर अपने प्रभु का नाम श्री हनुमान चले अविराम, श्री हनुमान चले अविराम।
झुकाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमत को शिव आशीष दीना, गिरि मार्ग कपि सहज ही चीन्हा। सुफल मनोरथ होए तिहारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे। पर्वत यूं जग अद्भुत देख प्रकाश, जगमग करता गिरी हुआ जूं पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य लुप्त। कान 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 दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से, वैद राजसूषण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमान, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्म में है, तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। हिल मिलकर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा, यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। हनुमत का जब कारण को पहचाना, औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज सवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा, ओ जीवन धन्य हमारा।
इनमें कौन सी है मृत संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है, व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही, वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। उड़कर पहुंचे वहां जहां जन्म जगदीश, अवध पार कैसे करें बिना झुकाए शीश। महाराज, आपद कोई नगर पर मंडरावे अवधेश, दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश। निश्चर आयो जान कर भारत चलायो तीर, राम राम कहे गिरी सहित भूमि गिरे महावीर। ये तो कोई रामभक्त मालूम होता है। हे प्रभु, ये मैंने किसे मार दिया? कौन है आप? होश में आइए, चेतना में आइए। बोलिए, कौन है आप? उठिए। मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाले महात्मा, आप कौन है? कृपया आंखें खोलिए, और आप जैसे राम भक्त पर जिसने बाण चलाया, ऐसे मुझ पापी को या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, परंतु एक बार आंखें खोलिए। आपको श्री राम की सौगंध है, यदि मैंने मन वचन और कर्म से केवल श्री राम के ही चरण कमलों से प्रेम किया है, तो आप स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध है। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कोसला जीसा, कही जय जयति कोसला जीसा। लीन कपि ही उरलाय, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समा, राम
रघुकुल तिलक। हे महात्मा, पूर्ण जांच किए बिना आप पर बाण चला दिया, इसके लिए भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, दशरथ पुत्र भरत, आप तो मूर्छा में भी राम नाम का जाप करते रहे। हे परम भक्त महात्मा, अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मेरे परिचय का क्या मोल, मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं, हनुमान। परिचय तो आज आपका पाकर मैं कृत कृत हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्वामी श्री राम दिन रात जिन भरत का गुण गाते नहीं थकते, उन्हीं देवता भरत को अपने नेत्रों से देख सका, मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। क्या क्या कहा आपने? श्री राम मुझे याद करते हैं, क्या यह सच है? भैया मुझे भी याद करते हैं कभी कभी? वो तो सोते जागते उठते बैठते आपको इस प्रकार याद करते हैं, जैसे कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है। आपके प्रति उनका स्नेह देखकर तो कभी कभी दूसरे भक्त ईर्ष्या करने लगते हैं। हे महात्मा, ये कहकर आपने मेरे डूबते हुए प्राणों को फिर से उबार दिया है। श्री राम विरह की धूप से जो खेती सूख गई थी, उसे श्री राम स्नेह के जल से आपने फिर से हरा भरा कर दिया। आपने मेरे भैया का समाचार मुझ तक पहुंचाया, इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे और भी बताइए, मेरे भैया इस समय कहां है, वो कैसे है, भाभी कैसी है, और वो बड़भागा लक्ष्मण जिसे भैया की सेवा का अवसर मिला है, वो मेरा छोटा भाई कैसा है? हाँ, वो सब कुशल से तो है ना? बोलिए, सब कुशल से है ना? कहिए कहिए ना, सब कुशल से तो है ना? सब आनंद से है ना? कहिए, कुछ बोलिए। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार, कहाँ कहे कहाँ ना कहे हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सौ कपि कहि डारी, सुनकर भय अधीर भरत से धीरज धारी, बिलख बिलख प्रभु व्यथा भरत सौ कपि कहि डारी। महाराज भरत, ये समय इन बातों का नहीं, आप जैसे वीर पुरुष को धीरज रखना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे रात ही रात वहां पहुंचना है, कहीं सूर्यदेव उदय हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वह लक्ष्मण के प्राण को संकट में डाल सके। मैं एक ही बाण में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा। हनुमान, तुम वहां धैर्य और विश्वास के साथ जाओ, तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मैं शक्ति बाण का संधान करता हूं। तुम उस औषध पर्वत के साथ मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें यह शीघ्रता से वहां ले जाएगा। नहीं महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं,
प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सजल नयन विभल भरत करते पश्चाताप। छिन छिजे रेन कर विलाप हरि मनुज सम कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लगा। जा नहीं सकता तोड़ कैसे मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। भैया को रुला रे बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के मेरा
लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा अज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज जी। क्या यही है संजीवनी? हाँ यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज, आरोग्यदायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं, इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुषेण वैद्य, एक परम वीर सूर्य वंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगलकर्णी, अपने गुणों को प्रकट करो, अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है, अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, ये है तेरा धनुष,
और तू तो युद्ध भूमि में नहीं है। भैया आप यहां? मैं यहां कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने।